खुदा जी आप सबको बरकत दे। आज का जो लेसन है उसका टाइटल है छह राग करेंगे एक सुर छोड़ने से राग तब्दील हो जाता है, ठीक है। और ये सारे राग मैं एक वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो वीडियो ये 5 घंटे की भी हो सकती है एक वीडियो, क्योंकि 6 राग एक वीडियो में बताने हैं तो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी समेटूँ इस लेसन को। तो पहला हम देखेंगे राग शिवरंजनी। सारे गा प ध सा ध प ग राग शिवरंजनी तो सबको पता होगा, राग भोपाली भी सबको पता है। राग भोपाली सारे गा प ध सा ध प ग देखें इसमें राग शिवरंजनी में ये वाला गा लग रहा है और भोपाली में ये वाला गा लग रहा है, ठीक है। देखिए राग शिवरंजनी सारे गा प ध सा सा ध प ग ग ग ऐसा करने से राग शिवरंजनी जो वो काला रंग भी बन जाता है। और राग भोपाली सारे गा प ध सा ध प ग ग तीसरा राग देखेंगे। देखे जरा सारे गा प ध सा ध प ग रे सा ध सा। इस राग को अभी देखें इसमें शुद्ध का कोमल धा ये लग रहा है, ठीक है। सारे गा प ध सा ये देखे ये शुद्ध गा है कोमल धा है, ठीक है। और ये भी शुद्ध है सा ऊपर वाला भी, ये भी शुद्ध है, ठीक है। तो ये राग बन जाता है भुप्पे श्री, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में आपको राग एक दो और हैं, शायद आपने वो नाम सुने हो लेकिन आपको नोटिशन का नहीं पता होगा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको अच्छे तरीके से बता सकूं। ये तीसरा राग है सारे गा प ध सा ध प ग रे ग रे सा ध सा राग भुप्पे श्री, ठीक है। अभी चौथा राग देखते हैं। राग हंसधुनी देखते हैं। सारे गा प नी सा सा नी प ग रे सा, ठीक है। ये राग हंस धुनी था और फिर देख ले जरा सारे गा प नी सा सा नी प ग रे सा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये पता लग जाए कि एक सुर छोड़ने से राग तब्दील हो जाता है, ठीक है। देखे जरा आप ये सारे गा प ध सा सा ध प ग रे सा, ठीक है। अभी इसकी जगह पे कोमल गा की जगह पे शुद्ध गा लेंगे तो वो कैसे बन जाएगा सारे गा प ध सा सा ध प ग रे ग रे सा। देखे जरा सारे गा प ध सा सा ध प ग रे सा, ठीक है। अभी हम पांचवा राग देखते हैं। सारे गा प ध सा सा ध प ग रे सारे गा प ध सा ध प ग राग विभास।
सारे का पधा साधा पगरे का पधरे। अगला राग देखते हैं, देख ले एक एक सुर छोड़ने से राग तब्दील हो रहा है, ठीक है। तो अगला राग हम देखते कौन सा है, सरे गा पनी सा सानी पगरे। तो ये जो राग था ये राग सुंदर कली था, तो ये कलियों की शक्ल में एक राग है ये वाला, जिस तरह मतलब के है सूरज कली, गुण कली, तो इसी तरह ये भी है, ठीक है, सुंदर कली। सरे का पनी सानी पगरे गा पगरे, तो आपने देख लिया एक सुर छोड़ने से राग तब्दील हो जाता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पे आने का, इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहें, खुदा आप सबको बरकत दे, तो खुश रहें, आमीन। अभी इनके सरगम पलटे भी हैं, ठीक है, जो मैं राग मैंने बताए हैं, तो सरगम पलटे हैं, अलापे हैं, अलंकार हैं, आगे मतलब जितने जितने आप बढ़ते जाएंगे राग का चलन और निखरता जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने राग बताए थे सारे, ये काफ़ी लोगों ने कहा था कि औड़ब जाति के राग बताएं, तो आप सब खुश रहें, शुक्रिया।